नमस्ते, राम राम जी सभी को। तो आज की ये वीडियो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स करके बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और ये देखो, आज मैंने बिल्कुल नया सूट पहन रखा है, लेवेंडर कलर का। बहुत सारे दिन हो गए थे इसको, पहले मैं लेके आई थी, फिर सिला, फिर उसके बाद श्राद्ध लग गए थे तो मैंने पहना नहीं। तो आज नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं तो मैंने ये पहन लिया। और अभी भी मैं एक और नया सूट ही दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये वाला है। तो इसमें हम लगाएंगे इनर, अभी बिना इसकी कटिंग किए हम इसमें इनर लगाएंगे। तो देखना आप लोग कि मैं कैसे इनर लगाती हूँ। और उसके बाद ये सूट जो है मैं अपने करवा चौथ पे पहनूंगी, येलो और रेड कलर का है। वैसे तो मेरे पास इतने सारे येलो सूट हो रहे, बट फिर भी मम्मी ले आई, मम्मी बोली कि अच्छा लगा इसका कलर इसलिए ले आई। तो चलो अब इसको भी सील लेते हैं। पीछे से है ये ऐसा जॉर्जेट का है ये, और ये है इसकी स्लीव्स। यहाँ पे इसके स्लीव्स में भी इनर लगेगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने सूट की कटिंग करनी स्टार्ट कर लेते हैं। और जो आज मैं आप लोगों को टेक्निक बता रही हूँ ना, वो आज तक किसी ने नहीं बताई होगी यूट्यूब पे। और इतनी इजी है कि जो बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं ना, वो भी इस टेक्निक से इनर वाला सूट सी लेंगे। क्योंकि आप मशीन पे रखोगे सूट, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। तो एक बार ये टेक्निक ट्राई जरूर करके देखना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो अभी ये देखिए, ये है इसका इनर जो कि मैंने पहले ही कट कर लिया था। ये इधर साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है, और ये मैंने फिटिंग के निशान भी लगा लिए हैं इसमें। देखो इधर ये पूरे प्लेट वगैरह जहाँ पे भी जो भी कुछ डालना है। तो ये डबल है। तो चलिए अभी एक बार इस सूट को हम यहाँ पे नीचे बिछा लेते हैं अच्छे से, और इसको हम फोल्ड कर लेंगे पहले, लेकिन इसको कट नहीं करेंगे हम अभी, बस फोल्ड करेंगे। क्योंकि हमने इस पर ना निशान लगाने हैं, यहाँ पे इसका सेंटर ले लेना है। देखो जैसे यहाँ पे हो गया नीचे से, और सेम हमने करना है इसका ऊपर से, इसके गले को अच्छे से एडजस्ट करके इधर, ताकि टेढ़ा मेढ़ा ना हो। और यहाँ पे भी हमें एक बीच का इसका निशान लगा लेते हैं। ये देखो मैंने लगा दिया है यहाँ पे। और अब इसके बाद मैं इस सूट को वापस से खोल दूँगी पूरे को। ये देखिए, अभी मैंने कुर्ते को उल्टी साइड पे रख लिया है, क्योंकि इनर तो हमेशा उल्टी तरफ ही लगता है ना। तो अभी इसको मैंने रख दिया है बिल्कुल अच्छे से, और अब इसको हम फैला देंगे। और इसको फैलाने के बाद ये इनर को मैं ले लेती हूँ, और इसको रख देंगे इसके बिल्कुल ऊपर ऐसे। और जो हमने सेंटर का निशान लिया था ना, उसको इस इनर की क्रीज के साथ हम मैच कर देंगे बिल्कुल अच्छे से, ताकि ये इनर जो है टेढ़ा मेढ़ा ना हो, और फिर उसके बाद हमारे सूट में भी कोई झोल ना आए। नहीं तो क्या होगा कि एक साइड से ज़्यादा हो जाएगा, एक साइड से कम, और फिर सूट टेढ़ा हो जाएगा आपका। तो उसको ठीक करने के लिए हम ये देखिए बिल्कुल इसका सेंटर मैच करके, और फिर इसको रख देंगे अच्छे से। यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है, और इसको बिल्कुल पूरा ऊपर तक अच्छे से कर दिया है मैच। और आप लोगों को ये देखने में कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है या नहीं, तो वो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अब मैंने ये एक फेविकोल ले लिया है, इसमें हम बिल्कुल इनर के किनारे किनारे पे फेविकोल लगाते जाएंगे। ये देखिए अभी निकाल लेती हूँ, लगा लिया मैंने यहाँ पर इस पर फेविकोल। तो अभी मैं एक बार इसको जल्दी जल्दी से पूरे सूट पे ऐसे ही ऊपर से नीचे से चारों तरफ से इस पे लगा दूँगी जल्दी जल्दी करके। और इससे ना इतने अच्छे से सूट चिपक जाता है, बिल्कुल पता भी नहीं चलता। वरना अगर आप मशीन पे जोड़ने लगो ना, तो इतना ज़्यादा झंझट हो जाता है। कभी कुर्ता इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है, कभी इनर ज़्यादा हो जाता है, कभी सूट। और जब हम पहले कट कर लेते हैं ना सूट को, तो उसमें भी सेम यही दिक्कत आती है, थोड़ा बहुत तो इधर उधर चलाया जाता है, तो वो कम ज़्यादा हो जाता है। अगर आप ऐसे सूट को पहले ही इनर लगा लोगे ना, तो नहीं होगा। ये चीज़ आप सेमी स्टिच में भी कर सकते हो, उसकी स्लीव्स और गला अलग करके, और फिर ऐसे ही रख के फिर उसको चिपका लेना इनर को, और फिर बाद में जो साइड होती है ना उनको काट लेना, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसके बाद कभी सेम स्टिच पे भी करके दिखाऊंगी। ये तो चलो पूरा ऐसे कैसे खुला था, तो इतना नहीं पता चल रहा, फिर बाद में दिखाऊंगी मैं आप लोगों को।
और अभी ये देखो मैंने इसको कट करना भी स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल साइड साइड से मैं इसको कट कर लूँगी और ऊपर से इधर ये मुड्डे वगैरह सब की कटिंग हो जाएगी एक साथ। कर लेते हैं अभी जल्दी जल्दी से। और ये मैं इधर के साइड की कटिंग करना छोड़ गई थी, तो ये मैंने एक बार फिर से इस मुड्डे को काट दिया है। और ये देखो आप लोगों को भी दिख जाएगा कि कितना अच्छा लगता है ऐसे पूरा करने के बाद। देखिए ये सूट देखने में लग रहा है ऐसा। और आप लोग वो जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है वैसे ही सेम, मैं दूसरे पीछे वाले हिस्से को भी काट लूंगी। अभी सीधा करके भी दिखा देती हूँ इसको एक बार। ये देखिए हो गया है पूरा से सूट रेडी। इसमें कहीं पे भी टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल इजी सी टेक्निक है। और आगे वाला हिस्सा काटने के बाद अब ये पीछे वाला, इसमें थोड़ी सिलवटें हो गई क्योंकि कई दिन से रखा हुआ था, तो मैं एक बार उस पर प्रेस कर लेती हूँ, फिर उसके बाद उसको भी काट लूँगी। बाकी आप लोगों को समझ तो आ गया होगा, तो आप ऐसे ही ट्राई कर लेना। तो बताइए आप लोगों को कैसी लगी मेरी आज की ये वीडियो। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि किसी और की भी हेल्प हो जाए। और आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस लाती रहूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। और तब तक के लिए बाय बाय, फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। बोलो।